नमस्कार दोस्तों, आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं एनवी के वेनिसा परफ्यूम के बारे में। दोस्तों एक्चुअली हमारे जो चैनल के ऊपर हम लोग बात करते हैं वो परफ्यूम्स की पूरी डिटेल में बात करते हैं, जैसे कि आपको किसी और चैनल पे नहीं मिलेगा। हम लोग फ्रेग्रेंस की बात करते हैं और ये परफ्यूम्स जो हम आपको दिखा रहे हैं ये कहाँ पे यूज़ करना चाहिए, कौन सी ओकेशन के लिए ये अच्छा है, ये सब की डिटेल हम लोग अपनी वीडियोस में बताने की कोशिश करते हैं। दोस्तों आज का जो परफ्यूम है ये है एनवी वेनिसा। मुझे शौक़ है, मेरा पैशन है परफ्यूम्स को यूज़ करना, और साथ ही साथ मेरे बहुत सारे रिश्तेदार दोस्त ऐसे हैं जो मुझसे अक्सर परफ्यूम के बारे में सलाह लेते रहते हैं। तो मैंने सोचा कि क्यों ना अपने टैलेंट को बाकी लोगों तक भी पहुँचाया जाए और इसका फ़ायदा जो है वो सब तक पहुँचाया जाए। दोस्तों एनवी वेनिसा परफ्यूम जो है ये काफ़ी अच्छा परफ्यूम है प्रोफेशनल लोगों के लिए, जैसे डॉक्टर्स हैं या इंजीनियर्स हैं उनके लिए ये बहुत ही अच्छा परफ्यूम है। आप लोग इसको यूज़ कर सकते हो, आप लोगों को इसकी फ्रेग्रेंस बहुत अच्छी लगेगी। आपके सराउंडिंग में जो इसकी फ्रेग्रेंस, आपके सराउंडिंग में जितने भी लोग होंगे आजू बाजू उनको भी आपकी इसकी जो फ्रेग्रेंस है वो बहुत अच्छी लगेगी। इसके अलावा जो स्टूडेंट्स हैं, जो कॉलेज स्टूडेंट्स हैं, वो भी अगर चाहें तो इस फ्रेग्रेंस को यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा ऑफिस यूज़ के लिए ये फ्रेग्रेंस बहुत अच्छा फ्रेग्रेंस अच्छी फ्रेग्रेंस है इसकी। एक्चुअली ये बहुत ज़्यादा हार्ड फ्रेग्रेंस ना होने की वजह से लोगों को इरिटेट नहीं करती है, इसलिए काफ़ी लोग जो है ऐसी फ्रेग्रेंसेस को अच्छा समझते हैं। इसके अलावा दोस्तों एक चीज़ और मैं आपको बताने चाहूँगा कि जो गर्ल्स हैं उनको ये परफ्यूम बहुत अच्छा लगता है। मोस्टली जो परफ्यूम होते हैं वो बहुत ज़्यादा हार्ड होने की वजह से गर्ल्स को अच्छे नहीं लगते, लेकिन इसकी फ्रेग्रेंस ऐसी है कि ये आपको अच्छी लगेगी ही लगेगी। साथ ही साथ आपकी अगर कोई फ्रेंड है या फिर आपके कोलीग हैं जो आपके साथ ऑफिस में काम करने वाली फ़ीमेल्स हैं, उनको भी ये अट्रैक्ट करेगी और पूछने पे मजबूर कर देगी कि आपने ये कौन सा परफ्यूम या फिर डियो लगाया हुआ है। इसको लगाने का तरीका दोस्तों मैं आपको बता दूं कि इसको सबसे पहले आप बॉडी पे भी यूज़ कर सकते हो और इसके अलावा इसको कपड़ों पे भी यूज़ कर सकते हो। साथ ही साथ मैं आपको एक और सलाह देना चाहूँगा कि अगर आप हैंकी यूज़ करते हो तो हैंकी के ऊपर भी इसका इस्तेमाल ज़रूर इसका करें। और अगर इसकी फ्रेग्रेंस के टाइप की बात करें तो थोड़ी मस्की और चॉकलेटी सी फ्रेग्रेंस है इसकी, काफ़ी अच्छी फ्रेग्रेंस है। और अगर आप लोगों ने कभी कोई फेरोमोन का स्प्रे यूज़ किया है, फेरोमोन स्प्रे होते हैं जो अपोजिट सेक्स को अट्रैक्ट करने के लिए होते हैं, तो आप समझ जाओगे कि इसकी फ्रेग्रेंस ऐसी कुछ थोड़ी सी मिलती जुलती है। कांच की बॉटल में आता है और प्राइस अप्रॉक्सीमेट 300 के करीब में आपको ये मिल जाता है, और अगर छोटी बॉटल लोगे तो आपको थोड़ी सस्ती भी मिल जाएगी, अप्रॉक्सीमेट 170-180 के करीब में आपको इसकी जो बॉटल है वो मिल जाएगी। अगर इसकी बात करें कि ये स्टे कितनी देर तक रहता है दोस्तों, तो मैं आपको बता दूं कि अगर आप इसको बॉडी पे वेयर करते हो और उसके बाद में ऊपर आप कपड़े वगैरह पहन लेते हो और साथ में आपको स्वेटिंग नहीं होती है ज़्यादा, तो इसकी जो फ्रेग्रेंस है वो 8 से 10 घंटे तक स्टे रहती है। कपड़े के ऊपर लगाने के बाद अगर आप कहीं पर जा रहे हो तो आप इसको 3 से 4 घंटे तक इसको है, आप समझ सकते हो कि इसकी 3 से 4 घंटे तक आपको फ्रेग्रेंस जो है वो लगातार आती रहेगी। इसके अलावा दोस्तों एक चीज़ और मैं आपको बता दूं कि जब भी परफ्यूम को यूज़ करें, अगर बॉयज़ यूज़ कर रहे हैं या गर्ल्स भी यूज़ कर रही हैं, तो आप इसको अपने हेयर के ऊपर, हेयर्स के ऊपर थोड़ा सा स्प्रे ज़रूर करें। बहुत ज़्यादा स्प्रे नहीं करना, बहुत हल्का सा स्प्रे करना है अपने हेयर्स के ऊपर, ताकि इसकी फ्रेग्रेंस है जो है वो थोड़े ऊपर के पोर्शन में भी आती रहे। एक्चुअली कई बार क्या होता है कि जब हम फ्रेग्रेंस को स्प्रे करते हैं तो वो थोड़ी हवा में नीचे ही नीचे रह जाती है, वो ऊपर तक ज़्यादा नहीं जा पाती है। तो ऐसे में अगर हम हेयर्स के ऊपर इसको स्प्रे करते हैं तो इसकी फ्रेग्रेंस जो है वो हवा में काफ़ी ऊपर तक भी चली जाती है। दोस्तों ज़रूर बताइएगा कि आपको ये रिव्यू कैसा लगा और कौन सा नेक्स्ट ऐसा परफ्यूम या डियो स्प्रे है जिसके बारे में आप लोग जानना चाहते हो। मेरी कोशिश रहेगी कि आपको पूरी डिटेल में उसके बारे में मैं बताऊं। इसके साथ ही दोस्तों अलविदा लेते हैं, एक नई वीडियो में जल्दी मुलाकात होगी। जब तक के लिए नमस्कार दोस्तों।